पूरे देश में गणेश महोत्सव को लेकर धूम मची हुई है। जगह जगह पर भगवान गणेश की प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं। गली मोहल्ले चौराहे पर भव्य पंडाल सजाए गए हैं, आकर्षक सजावट की गई है। ऐसे ही सागर जिले के पंतनगर में भगवान गणेश राजा के स्वरूप में विराजमान हैं। उनके पीछे विश्वनाथ नंदी के साथ खड़े हुए हैं। इस अद्भुत झांकी को देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है और ऐसा लगता है कि बस इस झांकी को देखता ही रहे। यहाँ पर श्री नवयुवक गणेश उत्सव कमेटी के द्वारा पिछले 74 सालों से गणेश जी विराजमान करते आ रहे हैं। हर बार अलग अलग स्वरूप में प्रतिमा लाई जाती है। इस बार 75 साल पूरे होने पर यहाँ पर भारी सजावट की गई है। जहाँ पंडाल तो भव्य सजाया ही गया है, वहीं सड़क पर भी दूर दूर तक सजावट दिखाई देती है। यहाँ पर करीब 500 पानी वाली छतरी लटका कर डेकोरेट किया गया है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। हमारे यहाँ पे जो गणेश जी की प्रतिमा विराजमान होती है, करीबन 70-75 वर्ष हो चुके हैं। इसी प्रतिमा में भगवान गणेश जो राजा शाही प्रतिमा होती है, राजा के रूप में हमारे यहाँ पर विराजमान होते हैं भगवान गणेश, और लक्ष्मी स्वरूप में, लक्ष्मी प्रतीका स्वरूप में भगवान गणेश हमारे यहाँ पर विराजमान होते हैं। कई वर्ष से हमारे यहाँ पर भगवान गणेश की जो यह प्रतिमा है, इसी स्वरूप में नाना प्रकार के स्वरूप में आती है। इस बार की जो प्रतिमा है हमारे यहाँ पर राजा के स्वरूप में आई है और भगवान विश्वनाथ के समकक्ष में आई है। जय श्री महाकाल, जय श्री गणेश। राजा के रूप में क्यों? राजा के रूप में क्यों? सर्वप्रथम व्यक्ति के लिए रिद्धि और सिद्धि की जरूरत पड़ती है, और रिद्धि और सिद्धि के स्वामी श्री भगवान गणेश हैं। रिद्धि सिद्धि रहेगी, नाना प्रकार से आपके सारे कारण होंगे, तो रिद्धि सिद्धि के कारण भगवान को, भगवान गणेश को राजा माना जाता है। दूसरी चीज, समस्त गणों के अधिनायक होने के कारण इनका नाम गणेश पड़ा, तो इसके कारण भी ये राजा के स्वरूप में माने गए हैं। जय श्री गणेश, जय श्री महाकाल।